आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने आयुक्त सभागार में मंडलीय समीक्षा की, जिसमें सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड में अपार संभावनाएं हैं। अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए योजनाएं जमीन पर लाने के काम में तेजी लेकर आए, ताकि पात्रों को योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही देरी को लेकर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। योगी सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा एक कार्यक्रम में शिरकत करने बलिया पहुंचे। यहां मीडिया ने उनसे उन्नाव रेप पीड़िता की मौत पर सवाल किया तो वो झल्ला गए। ज्यादातर सवालों के जवाब में या तो बचते नजर आए या फिर अंत में मीडिया को ही नमस्कार कर लिया। उन्नाव रेप पीड़िता की इस तरह मौत हुई है, जिंदा जलाकर के मार दिया गया उसको। जो भी इस प्रकार की घटनाएं हैं, दुखद है, नहीं होनी चाहिए और हर अपराधी को सक्षम तरीके से कार्रवाई हो रही है और दंड मिलेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। प्रियंका गांधी जो है उन्नाव रेप पीड़िता, अभी ये विषय हमारा नहीं है। हम तो क्यों कहते हैं कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, अपराध पर संज्ञान ले रहे हैं। हमारी सरकार बिल्कुल अपने में तैयार है, त्वरित एक्शन होता है। एक बार भी हम किसी एक्शन के लिए टाइम नहीं लेते। उन्नाव में उन्नाव को कैपिटल राजधानी और रेप की राजधानी घोषित किया जा रहा है। 90-11 महीने में 90 अपराध की घटनाएं हो चुकी है। नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार, नमस्कार। सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार का लगातार विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में आगरा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी के होर्डिंग्स और पोस्टर पर कालिक पोत दी। कार्यकर्ताओं में प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा देखा गया, लिहाजा शहर भर में आधा दर्जन से ज्यादा जगह योगी आदित्यनाथ के पोस्टर में उनके चेहरे पर कालिक पोत दी गई। यूपी में बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला आगरा का है, जहां एक शख्स ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बलात्कार की साजिश रची। आरोपी ने लड़की को घर में अकेला पाकर उसके साथ रेप किया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पूरा मामला आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बरेली के बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र में इंस्पेक्टर की दबंगई से आहत युवक ने थाना परिसर में खुद पर तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। हैरानी की बात यह है कि युवक ने ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में किया, जिससे पुलिस भी सकते में आ गई। युवक की माने तो उसके भाई को बहेड़ी पुलिस ने 5 दिन से थाने में बैठा रखा है, जिसे पति पत्नी पर एसिड अटैक के शक में पुलिस ने हिरासत में लिया है। मेरठ के परतापुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण विभाग की टीम ने छापा मारा। इस कार्रवाई से औद्योगपुर में हड़कंप मच गया। मौके पर 3 केमिकल कंपनियां अवैध रूप से चलती पाई गईं, साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस भी नहीं लगा हुआ था, जिसके बाद टीम ने तमाम उपकरण सील कर दिए। आपको बता दें कि NGT के आदेशों पर नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों पर प्रदूषण बोर्ड सख्ती बरत रहा है। मेरठ में कमांडो फिल्म को लेकर पहलवानों ने PVS मॉल पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कहा गया कि फिल्म के जरिए पहलवानों की छवि धूमिल की गई है। फिल्म से अगर आपत्तिजनक सीन नहीं हटाए गए तो इसे मेरठ के सिनेमाघरों में नहीं चलने दिया जाएगा। संत कबीर नगर में भीषण सड़क हादसा पेश आया। बाइक सवार 3 युवकों में से 2 की मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एक ही बाइक पर सवार होकर 3 युवक गोंडा से घर वापसी कर रहे थे। उन्नाव रेप पीड़िता की मौत के बाद सपा जिला कार्यकारिणी के सदस्य ने ललितपुर में भी प्रदर्शन किया। घंटा घर पर धरना प्रदर्शन करते हुए दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग उठाई गई। पूर्व जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी ने कहा कि पूरे देश में जिस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसमें महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। सपाइयों ने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। रेवाड़ी में बेखौफ बदमाशों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भाड़ावास चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर 3 बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने दुकान के शीशे तोड़कर दुकान मालिक को चाकू से घायल कर दिया और हाथों में रिवॉल्वर लहराते हुए ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। घायल दुकानदार को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।